गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायत समिति की कार्य व शक्तियाँ। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमने किया था पंचायत समिति की योग्यताएं चुनाव लड़ने के लिए, और अगर देखा जाए तो हमने रचना के बारे में भी जाना था। तो पंचायत समिति की किस प्रकार रचना की जाती है, किस प्रकार सदस्य चुने जाते हैं, तो आज हम करेंगे पंचायत समिति के कार्य क्या क्या हैं। जैसे हमने ग्राम पंचायत के कार्य किए थे, वैसे ही अगर देखा जाए तो पंचायत समिति के कार्य भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर एक पर अपने क्षेत्रों अपने कार्य की देखरेख, कार्य की देख रेख। तो हम यहाँ पर एक मेन टॉपिक ले सकते हैं कार्य की देख रेख। तो इसमें हम इसकी आगे व्याख्या करेंगे कि पंचायत समिति है वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में क्या क्या कार्य चल रहा है, उनकी देख रेख करना पंचायत समिति का कार्य है। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों की देख रेख करना, ठीक है, देख रेख करना व उनके कार्यों को संभालना पंचायत समिति का कार्य है। इसके बाद में देखा जाए तो नंबर दो पर हम पॉइंट ले सकते हैं अच्छे बीज। ठीक है, अच्छे बीज में क्या है, ग्राम पंचायत समिति अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के किसानों गांव के किसानों को अच्छे बीज या अधिक उत्पादन वाले बीज फ्री या गांव में ही उपलब्ध करवाने का कार्य है वो कर सकती है। इसके बाद में नंबर तीन पर देखा जाए तो हम इसमें ले सकते हैं घरेलू धंधे या फिर कुटीर उद्योग। अब जो पंचायत समिति है वो अपने गांव अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों के अंदर कुटीर उद्योगों के लिए लोगों को ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है, या फिर जागरूक करना। इस प्रकार पंचायत समिति अब अपने क्षेत्र में कार्य योजनाएं लागू कर सकती है। इसके बाद में देखा जाए तो नंबर चार पर नस्ल सुधार कार्यक्रम। तो पंचायत समिति है वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत या अपने क्षेत्र में पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू करती है। ठीक है, या कदम उठा सकती है वह अच्छे दूध वाले और या फिर डेयरी की सुविधा, ठीक है, या तो फिर डेयरियां या फिर अच्छी नस्ल या अच्छे उत्पादन या अच्छे दूध देने वाले पशुओं का टीकाकरण करवा के इस प्रकार है वो अपने क्षेत्र में काम करवा सकती है। नंबर पांच पर देखा जाए तो हम ले सकते हैं इसमें टीकाकरण
टीकाकरण ले सकते हो या फिर बीमारियों की रोकथाम। ठीक है, तो पंचायत समिति अपने क्षेत्र में, पंचायत समिति अपने क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना तथा दूसरे कदम उठाने का निर्णय ले सकती है। तो जो पंचायत समिति है वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत कोई कुछ खुरपका है या फिर महामारी है या फिर कोई अन्य किसी प्रकार की जो पशुओं के अंदर आने वाली बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए समय समय पर अपने क्षेत्र के अंतर्गत टीकाकरण करवाने का काम करती है, या फिर साफ सफाई, पशुओं का जो जल है उसको साफ रखने का काम करती है। तो इस प्रकार बहुत सारे काम है वो पंचायत समिति करती है। इसके बाद में देखा जाए तो पुलों का या सड़कों का पंचायत समिति अपने क्षेत्र में पड़ने वाले नहर नालों पर पुल व सड़कों का निर्माण करवाती है। नंबर 7 देखा जाए तो अकाल, बाढ़, या इसमें आप ले सकते हैं 7 नंबर में प्राकृतिक आपदा राहत। ठीक है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे अकाल पड़ गया अपने क्षेत्र में या बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर सूखा पड़ गया, अगर देखा जाए तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो इन आपदाओं के समय पंचायत समिति अपने क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता है वो प्रदान करती है। ठीक है, आर्थिक आर्थिक सहायता सहायता देने का प्रयत्न प्रयत्न करती है। ठीक है, अगर इसके बाद में देखा जाए 8 नंबर तो सरकारी संपत्ति, जैसे ग्राम पंचायत की कार्य हुई लगभग पंचायत समिति, सरकारी संपत्ति तो पंचायत समिति अपने क्षेत्र में सरकारी संपत्ति की देख रेख के लिए कानून या नियम लागू कर सकती है। इसमें अगर कोई सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो पंचायत समिति अपने पहुंचाता है तो उसका पंचायत समिति या कुछ कदम उठा सकती है, उसे जुर्माना है या अन्य प्रकार की कोई सजा है तो वो उसको पंचायत समिति दे सकती है। और जो संपत्ति सरकारी संपत्ति में स्कूल हो गया, ठीक है, गलियां होगी, नालियां होगी, या फिर खेल का ग्राउंड हो गया, जो भी उस क्षेत्र में सरकारी संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति आती है वो सरकारी
संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए और उनकी देख रेख वो इनके अंडर में होती है। नौ पर देखें अधिग्रहण, सरकारी संपत्ति सरकारी नहीं सॉरी सार्वजनिक संपत्ति, नौ नंबर पर है ना, सार्वजनिक संपत्ति अधिग्रहण क्या होता है, कब्जा लेना। ठीक है, तो सार्वजनिक मतलब कुछ इस प्रकार की संपत्ति होती है, मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, वहाँ पर कुछ अन्य कोई स्कूल की जो भूमि है उस पर कुछ अन्य बनाना है, जैसे खेल का ग्राउंड बनाना है और खाली पड़ी भूमि है, तो वहाँ जो पंचायत समिति है वो कुछ फैसला अपना कानून या नियम बनाकर ले सकती है। मान लीजिए कोई इस प्रकार की कोई सरकारी संपत्ति है, ठीक है, तो वो अगर गांव के बीच में आ गई जिससे गांव को कुछ लाभ नहीं है उसका, तो उसके ऊपर पार्क बनाना, इस प्रकार के फैसले वो पंचायत समिति ले सकती है। इसके बाद में बहुत सारी है जो पंचायत समिति है कुछ कार्य करती है, तो अपने इलाके में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित देती है, सरकारी समितियाँ होती है उनको अपने इलाके के अंदर कुछ कार्य करने के लिए, लोगों की सहायता देने करने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाती रहती है। अपने क्षेत्र के अंतर्गत मेले है, प्रदर्शनियाँ है, ठीक है, मंडियाँ लगाना, तो ये सारा जो है पंचायत समिति अपने कार्य है वो करती है।